नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय हम शनि ग्रह के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और क्रमवार एक एक राशि का हम अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें हमने तीन राशियों का डाल दिया है, मेष, वृष और मिथुन। और विषय जो है हमारा वो है कि मकर राशि के शनि का 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा और किस राशि को क्या अच्छा होगा और किस राशि को क्या बुरा होगा। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से रखेंगे, आप अंत तक इसे देखें। तो जैसे मेष, वृष और मिथुन राशि का जो फल है, जो शनि का प्रभाव है इन पे, वो हम आपको तीन वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। आज हमारी जो राशि है वो कर्क राशि है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए मकर राशि के शनि का प्रभाव कैसा रहेगा और किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, किस क्षेत्र से अच्छा होगा, किस क्षेत्र से बुरा होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। कर्क राशि चौथी राशि है और मकर में बैठा हुआ शनि कर्क राशि के लिए सातवां होता है। और जो भी कर्क राशि के व्यक्ति हैं या कर्क राशि, कर्क लगन के व्यक्ति हैं, उनके लिए शनि, सातवां शनि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कई सारी चीज़ों के लिए बहुत सकारात्मक होगा, जैसे सातवें घर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनमें अच्छा परिणाम देगा। मान लिया रोजगार व्यवसाय में स्थिरता नहीं है तो कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा जब रोजगार और व्यवसाय में स्थिरता आएगी। साथ में अगर मान लिया किसी का विवाह बहुत दिनों से प्रतीक्षित है, विवाह नहीं हुआ है और बात नहीं बनती है, प्रस्ताव आते हैं तो भी बात नहीं बनती है शनि के कारण, तो इस समय प्रबल संभावना बनेगी कि कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही प्रबल संभावना बनेगी कि शायद उससे विवाह संबंधी भी बातें जो है आगे बढ़ जाएं, फाइनल हो जाएं, विवाह संबंधी कार्य भी उनका संपादित हो जाए। तो एक तो हो गया कि रोजगार क्षेत्र में स्थिरता, रोजगार बढ़ सकता है और साथ में विवाह में अगर व्यवधान है या पति पत्नी में अनबन है तो उस समय सुधार होने की संभावना बनेगी। साथ में जो अगर साझेदारी का किसी का व्यापार है तो उसमें फायदा होगा। ये तीन चार चीज़ें कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, बहुत शुभ रहने वाली हैं। इसके अलावा दो तीन बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं कि कर्क राशि वालों के लिए तीसरी दृष्टि शनि की मीन राशि पर पड़ती है और भाग्य स्थान पर, तो भाग्य का जो है सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा लग्न स्थान पर चंद्रमा के घर पे पड़ रही है तो कुछ मानसिक तनाव, तो जाहिर सी बात है कि अगर आदमी का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो तनाव होना स्वाभाविक है। इसके अलावा चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ रही है, जो माता भूमि और सुख, सांसारिक सुख का घर है। भूमि, भवन, वाहन का योग तो बनेगा लेकिन सफल नहीं होगा, और सफल अगर होगा तो उसमें समय अधिक लगेगा। इसी प्रकार से माता स्थान से, मातृ स्थान से विच्छेद, अलग रहने की स्थिति बनेगी, लेकिन ये सब चीज़ें सामान्य होंगी। अगर आदमी का कार्य क्षेत्र अच्छा रहता है, व्यवसाय बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है
और पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहता है, तो ये सब चीज़ें इतना मायने नहीं रखती, इतना महत्व नहीं रखती हैं। तो इसलिए कर्क राशि के लिए शनि जो है दो तीन चीज़ों के लिए बहुत ही ठोस परिणाम देने वाला है, और कर्क राशि वाले भी शनि मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं शनिवार के दिन। और इसके अलावा शनि मंदिर है तो वहाँ दीपक जलाएं, ये सब करेंगे तो और ही अच्छा फल मिलेगा। वैसे कुल मिलाकर के कर्क राशि के लिए शनि बहुत अच्छा रहेगा, दो तीन अस्थाई परिणाम होंगे, साथ में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, लेकिन जब अच्छा कुछ घटित होगा तो वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। अब इसके बाद में हमारी अगली राशि सिंह राशि होगी, उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।